जी उसी को कंटिन्यू करते हैं एनर्जी लेवल को। तो ये हमने देखा था ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी E1 पे, सिमिलरली E2 पे -3.4, E3 पे, E4 पे। इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, इसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो इस दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो एक ऐसी स्टेट आएगी जब उसकी टोटल की एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन विल एट रेस्ट, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन विल रिलीज फ्रॉम दैट एटम। उसके बाद अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, दैट इज वी कैन से आयोनाइज हो जाता है एयर में जाके। सो दैट इलेक्ट्रॉन इज द रिलीज फ्रॉम दैट एटम, दैट एटम इज कॉल्ड अनबाउंड एटम। नाउ वी सी, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, तो ग्राउंड स्टेट से जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा था, ये आपके न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसके साथ दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आके कोलाइड करता है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, अपने स्टेट को छोड़ के ऊपर वाली स्टेट पे जाना। तो इसमें क्या है, इट विल मूव फ्रॉम दिस फर्स्ट स्टेट टू द सेकंड स्टेट। सो कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज योर E1 - E2। सो E1 की वैल्यू कितनी है, -13.6। E2 की वैल्यू कितनी है, -3.4। वैल्यू कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर रिलीजिंग एन इलेक्ट्रॉन टू फर्स्ट इलेक्ट एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली रिलीजिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी चाहिए होगी, E1 - E3। तो E1 की वैल्यू -13.6, E3 की वैल्यू -1.1। The value comes out to be -12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी अमाउंट की एनर्जी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन जब एन आपका 3 होगा, तो इतनी एनर्जी चाहिए। तो ये भी होता है जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे है, इट विल मूव टू द ग्राउंड ग्राउंड स्टेट। तो क्या होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आएगा, तो जितनी एनर्जी उसने ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के जाने में लगी थी, उतनी एनर्जी वापस वो रिलीज करेगा। जितनी एनर्जी को ग्राउंड स्टेट से वो ऊपर जाने में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लगी थी, उतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो दैट एनर्जी इज रिलीज इन द टर्म ऑफ फोटोन। सिमिलरली जैसे वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे था, जब n=3 था, तब वो ग्राउंड स्टेट पे, जब लेट से इट फॉल फ्रॉम द डेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, इट विल रिलीज सम एनर्जी। सो दैट इज आल्सो ए फोटोन। सो फोटोन की अमाउंट में दैट विल रिलीज एन एनर्जी व्हेन इट मूव फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। दिस इज ऑल अबाउट द टोटल एनर्जी लेवल। सो व्हेन n=∞ एट दैट मोमेंट, दैट इलेक्ट्रॉन विल फ्री फ्रॉम द एटम।